welcome to Solid Sales Classes. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिमांड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. हम लोग आज शुरुआत करेंगे पहले जो एजवर्थ और पैरेटो ने किस तरीके से इनका कॉम्प्लीमेंटरी और सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिफाइन किया था, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हिक्स ने उनके ही थ्योरम्स और उनके जो सोच थे उसको इम्प्रूव करके अपने थ्योरम में, अपने थ्योरी में बताया था. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, स्टार्टिंग विद एजवर्थ. एजवर्थ एंड पैरेटो, तो इन्होंने पहले डिफाइन किया कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंटरी और सब्स्टिट्यूट्स में दो गुड्स को या दो से अधिक गुड्स को डिवाइड किया जाता है. मगर एजवर्थ और पैरेटो ने हमेशा दो ही गुड्स लेके काम किया था. इनके अकॉर्डिंग अगर Y और X, सपोज ये दो गुड है, Y एंड X, ये दो गुड अगर कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इफ कॉम्प्लीमेंट्स देन अगर सप्लाई ऑफ गुड X गोज अप, सप्लाई ऑफ सपोज गुड X गोज अप, उसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y जो है वो फॉल कर जाएगा. ये था उनका कॉम्प्लीमेंटरी का डेफिनेशन. दूसरा आता है कि अगर ये x एंड y अगर सब्स्टिट्यूट हो तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इफ सब्स्टिट्यूट्स, तो उसके वजह से अगेन अगर सप्लाई ऑफ x अगर बढ़ जाए तो देखा जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है ये भी बढ़ गया है. तो हम लोगों ने देखा कि अगर सब्स्टिट्यूट्स हो तो सप्लाई के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्स हो तो सप्लाई के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का नेगेटिव या ऑपोजिट रिलेशंस है. एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बता सकते हैं अबाउट एजवर्थ एंड पैरेटो के डेफिनेशन के बारे में. इन लोगों ने यही कंसिडर किया कि दोनों गुड्स x एंड y कैन बी रिवर्स्ड फॉर ईच अदर. जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि अगर y कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हो तो ये चीज होल्ड करेगा. सिमिलर तरीके से अगर y x का कॉम्प्लीमेंट है तो x भी y का कॉम्प्लीमेंट है. इन द सेम वे अगर x y का सब्स्टिट्यूट है तो y भी x का सब्स्टिट्यूट है. यही चीज उन्होंने कंसिडर किया था, दैट इज हम लोग कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रॉपर्टी उन्होंने कंसिडर किया था. अब आता है कि उन लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया कि अगर इनका जो डिमांड है कॉम्प्लीमेंट्स हो सब्स्टिट्यूट हो तो इनका डिमांड किस तरीके से चेंज होगा. उन्होंने पहले बताया कि अगर सोचा जाए प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल कर जाए तो इसके चलते जो डिमांड फॉर एक्स है ये तो बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा. और बढ़ने की वजह से, जैसे कि हम लोगों ने यहीं पे बताया कि सप्लाई ऑफ एक्स अगर बढ़ जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्स. तो यही पे सेम चीज है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ है और डिमांड फॉर एक्स बढ़ चुका है. एंड अगर हम लोग देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है ये फॉल कर गया, देन ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी, यही पे हम लोगों ने बताया ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी डिमांड फॉर y विल फॉल. तो ये हो गया ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी.
between the two goods. सिमिलर वे से अगर पी एक्स फिर से फॉल करे तो डिमांड फॉर एक्स विल गो अप एंड एम यू ऑफ वाई अगर यहां पे बढ़ जाए देन ड्यू टू सब्स्टिट्यूटेबिलिटी देन ड्यू टू सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इसका जो डिमांड फॉर वाई है ये भी बढ़ जाएगा. तो हम लोगों ने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम हो गया इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स डिमांड फॉर वाई विल गो अप. सिमिलरली अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाता है तो डिमांड जरूरत से अवश्य ही बढ़ेगा. सो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हैव अ पॉजिटिव रिलेशन बट कॉम्प्लीमेंटरिटी हैव अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन देयर डिमांड्स. यही था कि उन लोगों ने किस तरीके से ये बताया कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट्स या सब्स्टिट्यूट्स उनका डिमांड कैसे रिलेटेड रहेगा. अब डिमांड तो उन लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से रहेगा बिटवीन द टू गुड्स बट दे हैव फेस्ड अ वेरी लार्ज डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द आईसीज. इन दोनों के जो इनडिफरेंस कर्व है ये कैसे होगा ये बताने में उनको काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा. और अल्टीमेटली हम लोग यही देखे कि अगर ये x हुआ और ये y हुआ और अगर ये x एंड y के बीच में अगर कॉम्प्लीमेंटेरिटी है इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्स तो इन लोगों ने बताया कि द कर्व्स विल बी वेरी बेंडी. और सिमिलरली x एंड y अगर ये सब्स्टिट्यूट हो तो द कर्व्स विल बी वेरी फ्लैट माने ऐसे. तो ये इस तरीके से उन लोगों ने अपने जो आईसीज है इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया. दिस इज वेरी बेंट एंड दिस इज वेरी फ्लैट. अब इन दोनों में से जो डिफरेंस है इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि द कर्वेचर ऑफ द आईसी. दिस कर्वेचर इज हैविंग अ ग्रेटर बेंड सो इट हैज अ ग्रेटर कर्वेचर कंपेयर टू दिस वन फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. एंड यहाँ पे तभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि चूंकि ये रिलेटेड है कर्वेचर ऑफ द आईसी से तो यहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कितना कर्वेचर. कर्वेचर माने डिग्री ऑफ आईसी. तो कितना डिग्री होने पर एक गुड दूसरे गुड के साथ कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन रखेगा और कितना डिग्री होने पर ये रिलेशन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का होगा. तो ये डिग्री का जो सवाल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था. और इसमें हिक्स प्रोफेसर हिक्स ने यहाँ पे टिप्पणी दिया और उन्होंने कहा कि इन दोनों फिगर से कभी भी हम लोग डिग्री ऑफ द कर्वेचर नहीं बता सकते. इट इज इम्पॉसिबल. और फाइनली हम लोग अबाउट एजवर्थ एंड पैरेटो के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि जब उन लोगों ने अपना डेफिनेशन क्रिएट किया तो उन्होंने हमेशा यही कंसिडर किया कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. अब अपने ही डेफिनेशन में बताते हुए पैरेटो ने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया इन एक्सप्लेनिंग द मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी. और उन्होंने कहा पैरेटो ने कहा कि यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल सेंस में कभी भी मेजर नहीं कर सकते. तो इसी तरीके से पैरेटो ने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया.
अब चलिए दूसरे अंश में बढ़ते हैं, जो मैंने कहा कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिक्स ने किस तरीके से अपने हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स गुड्स को एक्सप्लेन किया। हिक्स पार्ट। अब हमें पता है कि अगर किसी भी गुड का प्राइस चेंज होता है तो उसके साथ हमेशा ही आता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट। अब ये प्राइस इफेक्ट में दो सब पार्ट्स हैं। एक हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड अनदर वन इज इनकम इफेक्ट। तो ये दोनों तो पार्ट हो गए प्राइस इफेक्ट के। अभी इसी के चलते ये प्राइस इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। इन्हीं दो सहारों के वजह से हिक्स वॉज एबल टू डिफाइन वेदर अ गुड इज सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हिक्स ने कहा कि अगर इनकम इफेक्ट रहता है, अगर मार्केट में इनकम इफेक्ट प्रेजेंट है ड्यू टू इनकम इफेक्ट, अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल करता है तो उसके चलते एक्स का तो डिमांड बढ़ेगा ही, अल्टीमेटली देखा जाता है कि वाई का जो डिमांड है वाई डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि लोगों के पास इनकम बढ़ चुका है इनकम इफेक्ट के चलते। तो हम लोगों ने देखा वाई का जो डिमांड है ये बढ़ गया। अब ये बढ़ सकता है नो मैटर द सिचुएशन इज वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट टू एक्स और सब्स्टिट्यूट टू एक्स। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि इनकम इफेक्ट का मतलब है अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है, चलिए मानते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया है तो उसके चलते डिमांड ऑफ बोथ एक्स एंड वाई विल इंक्रीज, क्योंकि प्राइस फॉल कर चुका है तो अभी लोग एक्स तो ज्यादा अमाउंट में खरीद सकते ही है, वो सेम प्राइस तो है नहीं, अभी तो कम हो गया, एक्स का डिमांड इसलिए बढ़ गया। अब चूंकि एक्स खरीदने के लिए उतना प्राइस खर्च नहीं हो रहा है, उतना मनी खर्च नहीं हो रहा, तो इसीलिए वो लोग जो एक्स्ट्रा मनी बचा हुआ है उससे वो लोग वाई के लिए भी डिमांड करते हैं। इसीलिए इनकम इफेक्ट अगर हो तो एक्स और वाई दोनों का ही डिमांड बढ़ जाता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल करे तो इसमें एक्स के लिए इट फेवर्स वर्क इन फेवर ऑफ एक्स। फेवर ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जो डिमांड है ऑफ एक्स वो इंक्रीज करता है, एंड अगेंस्ट ऑफ वाई, अगेंस्ट का मतलब डिमांड ऑफ वाई फॉल करता है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इनकम इफेक्ट अगर रहता है तो y का डिमांड हमेशा बढ़ेगा, नो मैटर वो गुड सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है। अभी मान लेते हैं कि इनकम इफेक्ट ऑफ y अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रांग हो, दैट मीन्स इनकम इफेक्ट का जो पावर है वो ज्यादा है देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो इसके चलते क्या होगा,
ये जो है हम लोगों ने अभी बताया कि डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स। तो इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि ये हमेशा होगा, चाहे वो गुड कॉम्प्लीमेंट हो या सब्स्टिट्यूट हो। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोग टोटल प्राइस इफेक्ट अपने कैलकुलेशन में ले इन डिफाइनिंग वेदर द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, हम लोग हमेशा ही यही बताएंगे कि दोनों गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, इवन दो द टू गुड्स आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूट। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही डिमांड ऑफ वाई बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए प्रोफेसर हिक्स ने सजेस्ट किया कि इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदर अ गुड इज कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट, वी शुड इग्नोर द इनकम इफेक्ट और वी शुड रिड्यूस द इनकम इफेक्ट। इन टर्म्स ऑफ इनकम इफेक्ट को कैसे कम करें ये भी उन्होंने सजेस्ट किया। इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। अब ये कॉम्पेंसेटिंग का मतलब है कि अगर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया है, तो अभी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए लोगों के पास ज्यादा इनकम है, इसीलिए वो लोग डिमांड को वाई का डिमांड बढ़ा रहे हैं। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन बोलता है कि ये जो डिमांड बढ़ रहा है वाई के लिए ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, तो उसके वजह से जो इनकम बढ़ चुका है वो इनकम को कम कर लिया जाए, वो इनकम जो लोगों के हाथों में बढ़ चुका है वो वापस ले लिया जाए। तो ये है कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन, यही था हिक्स का सजेशन। हिक्स सजेस्टेड दिस थिंग। तो अगर ये चीज लागू हो जाए, दैट इज कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन, अगर हम लोग अभी कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन लेके अगर हम लोग प्राइस इफेक्ट देखना चाहें, तो अभी कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन में से इनकम इफेक्ट नहीं है, इट इज एब्सेंट। तो देखिए प्राइस ऑफ एक्स फिर से फॉल करने से शुरू करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया तो यहाँ पे एक्स का जो डिमांड है इंक्रीजेस, बट ड्यू टू कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम होने की वजह से द कंज्यूमर्स आर नो बेटर ऑफ देन बिफोर, क्योंकि वो लोग अपने पुराने सिचुएशन में ही चले गए हैं। तो उसके चलते अगर ये देखा जाए कि डिमांड ऑफ वाई अल्टीमेटली फॉल्स, तो हम लोग कह सकते हैं वाई इज कॉम्प्लीमेंट टू एक्स, क्योंकि डिमांड ऑफ वाई फॉल कर गया, डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, सो दैट इज वाई दे हैव अ कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप। इन द सेम वे अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल करे उसके चलते अगेन एक्सेस डिमांड विल इंक्रीज, अब ये इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओनली, क्योंकि इनकम इफेक्ट अभी नहीं है, तो अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उसके वजह से डिमांड ऑफ एक्स गोज अप। और हम लोगों ने कंसीडर किया है कि कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, अब कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन या इनकम होने की वजह से लोगों का अल्टीमेट इनकम में कोई चेंजेस नहीं है, पर इस सिचुएशन में भी अगर डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस देन इट इज सेड दैट वाई इज सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स, देन दे आर हैविंग अ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी रिलेशनशिप अमंग देम।
That means demand of Y increases, demand of X increases, so positive relation, that is why substitute. तो इसीलिए हिक्स ने हमेशा कहा कि the relation between complementarity and substitutability of a good always depends upon the substitution effect of the price effect, not depend on the income effect. Because income effect होने के वजह से काफी सारे problems और confusions face करने पड़े. तो यही था एक छोटा सा discussion on complements and substitutable goods का demand के ऊपर. Hope you like the video, and if you have any kind of doubt, you can always reach us on our official site. Thanks for watching.